तो हेलो दोस्तों, तो दोस्त आज भी एक नया काम आपके सामने हाजिर है। ये हमारे पास आया है होम थिएटर। इसका दोस्तों हम लाइन देकर हम चेक करा कर आपको दिखाते हैं वो आवाज़ कौन सी आती है। इससे गाने की आवाज़ तो नहीं आ रहा है, लेकिन अलग किस्म की आवाज़ आ रहा है। लाट लोट खोल के पूरी तैयारी के साथ एक भी लाट और भी लगा हुआ है। इतना छोटा सा वायर लगा हुआ है इसमें। बहुत छोटा वायर। इसका जो टेंडेस्टर दिया हुआ है ये खराब है। तो दोस्तों जैसे भी है वैसे ही खोल के रखा है हमने। इसमें वायर छोटा छोटा वायर लगा के रखा है और इसको बाहर निकलने में थोड़ा दिक्कत के सामना आ सकता है। तो हम कोशिश करेंगे ऐसे ही दो टेंडेस्टर इसमें खराब है वही दोनों को चेंज करने के लिए ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे। खोल सकते हैं हम, लगा भी सकते हैं। तो इसी तरह हम तो दोस्तों इसका यानी होम थिएटर में जो प्रॉब्लम है वो आसानी से दोस्तों फाइंड आउट कर सकते हो और प्रॉब्लम भी सॉल्व भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं होता। और काम भी बहुत आसान है, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम होता है उसको समझने में थोड़ा तकलीफ हो सकता है, क्योंकि इसमें ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है या कई तरह की आवाज़ आ रहा है। तो इसमें क्या करें क्या ना करें ऐसा मत सोचिए, क्योंकि डायरेक्टली अब ये ऐसी ख़राब है, रेस्टोरेंट ख़राब है, टेंडेस्टर ख़राब है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसमें साउंड का जो टेंडेस्टर है वो ही ज़्यादातर खराब होता है। इसमें तो उतना अलग अलग टेंडेस्टर तो इसमें लगाया नहीं, एक ही दो आईसी लगा हुआ है बेस ट्रिबल का ऑडियो सेक्शन में, और इसमें साउंड सिस्टम के लिए ऑडियो सेक्शन के लिए ये बड़े वाले टेंडेस्टर लगाया है। इसमें लगाना थोड़ा लग गया, दिखाई नहीं देगा लेकिन लगाना तो हो ही गया। और इसमें लगाना थोड़ा
खोल भी नहीं सकते। कुछ वायर है सोल्डरिंग का, इसमें लगाया हुआ है। बिठाना थोड़ा मुश्किल है, अरे यार हो गया। इसमें लात को कास लेते हैं पहले। जितने भी होम थिएटर देखो ज़्यादातर आईसी की प्रॉब्लम आता है, यानी ये जो कंडक्टर है आईसी भी कह सकते हो, ये कंडक्टर की प्रॉब्लम ज़्यादातर आता है। प्रॉब्लम को समझो और इसको चेंज कर दो, 100% हो जाएगा। एक हाथ से पकड़ना और एक हाथ से सोल्डर, एक हाथ से आयरन, यानी तीनों हाथ लग जाता है और इसमें दो हाथ का ही प्रॉब्लम काम चल रहा है। थोड़ा दिक्कत के सामना करना पड़ रहा है, लेकिन तो करना पड़ेगा ही। लगाना हो गया, अभी चेक कर सकते हैं हम आवाज़, पहला वाला आवाज़ है या नहीं। यह हट गया है तो सही बात है, नहीं है तो दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, और दूसरा तरीका इसमें तो है नहीं। वैसे भी है आवाज, लेकिन कहाँ से आवाज निकल रहा है वो कंफर्म करना है अभी। और एक तो है ऐसे, कैसे कैसे करते हैं एक बार। हो गया, तीनों आईसी मिलाकर खराब है इसमें। तीनों आईसी मिलाकर खराब है, तो हम क्या कर दिया, सिर्फ दो ही आईसी, दो स्पीकर आउट वाली बजेगा और अंदर की एक बजेगा, तो दो आईसी में कम चलेगा, तो हमको तीन आईसी की ज़रूरत नहीं है। तो इसी दौरान हम क्या करेंगे, इसमें ब्लूटूथ ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ तो दोस्तों इसमें अभी तक लाइन दिया हुआ है और ये भी सक्सेसफुली आ गया है। अभी हम गाना बजा सकते हैं, इसमें ब्लूटूथ है। अभी फिलहाल बज रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिर्फ वही कंडक्टर की खराब होने की वजह से ऐसा फॉल्ट आ रहा था।
तो दोस्तों होम थिएटर में कई तरह की प्रॉब्लम आता है, लेकिन छोटा मोटा प्रॉब्लम उसको छोड़िए। ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है साउंड या वाइब्रेट या कुछ भी आवाज़ या कोई भी आवाज़ हो, यानी गाना बज रहा है तो सही बात है, नहीं तो बज रहा है तो मान लेना इसमें टंडस्टर खराब होता है, यानी 100% से या 85% अब 90% आप देख लो होम थिएटर में वही टंडस्टर खराब होता है, यानी कस्टमर जो मानते हैं जो आईसी खराब है वही आईसी खराब होता है, उसको चेंज कर दो सही होगा, नहीं चेंज करोगे तो सही हो सही रहेगा, क्योंकि इसमें उसने कई तरह की होम थिएटर आता है, अलग अलग प्रॉब्लम की आती है, तो ये जो होम थिएटर है ये ज़्यादातर ये ऐसे का ही फॉल्ट होता है। तो इसको हम लगाकर कंप्लीट करके आपको एक बार चेक कराकर हम दिखाते हैं इसमें इतना अगर मान लो और भी कोई दूसरा कंपनी का होम थिएटर हो महंगा वाला, उसमें कभी कभार माइक्रो पार्ट्स रहता है, उसमें थोड़ा सा अलग अलग के फॉल्ट नज़र आता है, लेकिन ये वाला जो है होम थिएटर ऐसे वाला जो मदरबोर्ड इसमें है बड़े वाले पार्ट्स, कोई टंडस्टर नहीं है, अलग अलग टंडस्टर नहीं है उसमें, सिर्फ आईसी दिया हुआ है और टंडस्टर साउंड सिस्टम टंडस्टर दिया हुआ है, तो इसमें मान लेना है आईसी ज़्यादातर खराब होता है। कोई नहीं हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये गाना ज़्यादा बजाएंगे तो कॉपीराइट आ सकता है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, इसका तो इतना सही था।